हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू टीम कार डिलाइट। सो ये है टाटा नेक्सॉन का टॉप एंड मॉडल एंड आपको यहाँ पे अब काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम इंटीरियर्स मिल जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील बहुत ही प्रीमियम दिया गया है, साथ में यहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, सनरूफ एंड काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। तो मैं आपके साथ एक डिटेल वॉक एंड रिव्यू शेयर करूंगा जिसमें ऑन रोड प्राइस के साथ आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी दूंगा एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन भी हम करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें एंड बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। सो दोस्तों ये है टाटा नेक्सॉन का फुली लोडेड टॉप एंड मॉडल एंड यहाँ पे टाटा ऑफर कर रही है 2 ईयर्स 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी। आप इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं अप टू 5 ईयर्स एंड रोड साइड असिस्टेंस भी आप बाद में परचेज कर सकते हैं। और सभी कॉम्पैक्ट एसयूवीज की एवरेज मंथली सेल आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। टाटा नेक्सॉन की एवरेज मंथली सेल है 4400 यूनिट्स एंड इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है टाटा के रंजनगांव फैसिलिटी में जो कि पुणे में है। एंड दोस्तों इस व्हीकल को मिला है ग्लोबल इनकैप रेटिंग 5 स्टार्स की। ये बिल्ट अप है हाई स्ट्रेंथ स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर और यहाँ पे साइड इंट्रूजन बीम भी यूज़ करी गई है। एंड राइट ऑफ फ्रंट दोस्तों यहाँ पे आपको मिलते हैं ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर हेडलैम्प विद फॉलो मी होम लैम्प फंक्शन और यहाँ पे डे टाइम रनिंग लाइट्स भी अवेलेबल है डुअल फंक्शन। पियानो ब्लैक फिनिश में फ्रंट ग्रिल मिलेगी विद ह्यूमैनिटी लाइन। फॉग लैम्प दोस्तों आपको मिलता है विद कॉर्नरिंग लैम्प फंक्शन और यहाँ पे टायर और शेप एसेंट्स दिए गए हैं फ्रंट में। स्किड प्लेट अवेलेबल है सिल्वर कलर की। सो गाइज अगर बात करें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन की तो टाटा नेक्सॉन का टर्निंग रेडियस है 5.1 मीटर्स, ग्राउंड क्लियरेंस बेस्ट इन क्लास 209 mm, वुड स्पेस 350 लीटर्स, कर्व वेट 1237 kg से लेके 1305 kg एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी 44 लीटर्स। साथ में फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक्स अवेलेबल है एंड सस्पेंशन दोस्तों आपको थोड़ा सा स्टिफ साइड पे मिलता है और काफ़ी बैलेंस दिया गया है। बम्प्स एंड बॉटल्स को ये बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपको बहुत ही बढ़िया राइड क्वालिटी मिलती है सिटी में भी और हाईवे में भी। और ये है 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स, 195/65 प्रोफाइल टायर्स दिए गए हैं दोस्तों एंड यहाँ पे व्हील आर्चर्स क्लैडिंग, साइड बॉडी क्लैडिंग एंड वेस्टलाइन मोल्डिंग भी अवेलेबल है। साथ में ये है पियानो ब्लैक फिनिश विंग मिरर्स और आपको यहाँ पे मिलेगा ऑटो फोल्डिंग फंक्शन। विंडोज़ के पास भी कॉन्ट्रास्टिंग वाइट एसेंट्स दिए गए हैं, वाइट कलर की रूफ मिलती है, सन रूफ अवेलेबल है और बहुत ही स्लीक सी रूफ रेल्स भी ऑफर करी गई है दोस्तों। एंड नेक्सॉन की टैगलाइन है इट्स नेक्स्ट लेवल एंड यहाँ पे आपको दोस्तों 6 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं जो है कैनबेरी वाइट, फ्लेम रेड, टेक्टोनिक ब्लू, प्योर सिल्वर, डायटोना ग्रे एंड फॉलेज ग्रीन कलर। अभी आप फॉलेज ग्रीन देख रहे हैं जो कि एक काइंड ऑफ पेट्रियोटिक कलर दिया गया है। सो गाइज यहाँ पे आपको बहुत ही आउटस्टैंडिंग लुकिंग ट्राई एरो शेप्ड एलईडी टेल लैम्प मिल जाते हैं। साथ में रियर एप्लिक दिया गया है डुअल टोन कलर में ग्लॉसी ब्लैक एंड वाइट, रियर में वाइपर एंड डिफॉगर, साथ में स्पॉइलर भी अवेलेबल है और यहाँ पे बम्पर के एंड पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं और यहाँ पे एलईडी लाइसेंस प्लेट पे लाइट्स मिलेंगी दोस्तों। एंड टेल गेट ओपन करना है तो इस स्विच को हम होल्ड करके भी ओपन कर सकते हैं या सिंपली यहाँ पे बटन दिया गया उसको प्रेस करेंगे तो भी टेल गेट ओपन हो जाता है। यहाँ पे क्रैब हैंडल अवेलेबल है एंड ये है 350 लीटर्स का बहुत ही प्रैक्टिकल बूट स्पेस। यहाँ पे एक लगेज लैम्प, साथ में 2 ग्रॉसरी हुक लेफ्ट साइड मिलेंगे 3 kg लोड के साथ एंड 3 kg लोड के साथ यहाँ पे राइट साइड भी दिए गए हैं। एंड ये है कुछ टूल किट, इसको उठाते हैं। सो दोस्तों ये है स्पेयर व्हील विद टूल किट एंड यहाँ पे आपको 16 इंचेस का स्पेयर टायर मिलेगा 195/60। बट दोस्तों ये अलॉय नहीं दिया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टील व्हील है। एंड गाइज अब यहाँ पे रियर पार्सल ट्रे को रिमूव कर देते हैं एंड फिर हम सीट डाउन करेंगे। सो गाइज यहाँ पे आपको 60-40 स्प्लिट फंक्शन मिलता है तो कुछ ऐसे आप सीट यहाँ से डाउन कर सकते हैं। एंड गाइज यहाँ पे 100% फ्लिप एंड फोल्ड दिया गया तो इन सीट्स को फर्दर भी फोल्ड कर सकते हैं एंड इसको भी आप क्लोज कर देते हैं। एंड ओवरऑल दोस्तों टाटा नेक्सॉन बहुत ही रगेड एंड टफ एसयूवी है। बात करें इस टॉप एंड मॉडल की सेफ्टी फीचर्स के बारे में तो यहाँ पे ऑफर करे गए हैं 2 एयरबैग्स, ABS/ABD, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, ड्राइवर सीट बेल्ट विथ प्रीटेंशनर, लोड लिमिटर एंड क्रैश लॉकिंग टंग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक्स प्री फिल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, एमरजेंसी ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल,
ISOFIX child seat mount, rollover mitigation, follow me home headlamp, central locking, rear defogger, front fog lamp with cornering lamp function, rear parking sensors, reverse parking camera with dynamic guidelines, tire pressure monitoring system, emergency roadside assistance, automatic headlamp, and rain sensing automatic wipers. So, दोस्तों यहाँ पे टाटा नेक्सॉन में आपको दो V6 इंजन मिलते हैं 1.2 लीटर पेट्रोल विद मैनुअल एंड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स एंड 1.5 लीटर डीजल विद मैनुअल एंड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स। अब यहाँ से बोनेट को ओपन कर लेते हैं एंड इस मॉडल में आपको दोनों ही ऑप्शन मिल जाते हैं, यानी कि मैनुअल का भी और ऑटोमेटिक का भी। ऑटोमेटिक आप लेंगे तो वहाँ पे आपको वेरिएबल की एक्स्ट्रा मिलती है, मैनुअल में वेरिएबल की नहीं दी गई। एंड मॉडल वाइज इंजन ऑप्शन भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों। एंड इस मॉडल में गाइज आपको यहाँ पे कनेक्टेड कार फीचर्स भी मिलते हैं, यानी कि स्मार्टफोन की ऐप से आप नेक्सॉन को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, फाइंड माय कार का फीचर मिल जाता है। एंड साथ में ड्राइविंग एनालिटिक्स, स्टेटस एंड इन्फॉर्मेशन के अलावा आपको काफ़ी सारी डिटेल में इन्फॉर्मेशन एंड फीचर्स मिल जाते हैं। सो फाइनली बात करें दोस्तों इंजन ऑप्शन के बारे में, तो फर्स्ट है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज रेवोट्रॉन BS6 कंप्लायंट पेट्रोल इंजन। ये प्रोड्यूस करते हैं 118 bhp पावर। यहाँ पे रिसेंटली अभी पावर इंक्रीज करी गई है बाय 10 bhp। साथ में टॉर्क प्रोड्यूस करेगा ये 170 Nm। यहाँ पे आपको 6-speed मैनुअल एंड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिल जाता है एंड इसकी क्लेम माइलेज है 17.4 km/h। एंड सेकेंड इंजन है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर रेवोट्रॉक BS6 कंप्लायंट डीजल इंजन, जो जनरेट करता है 110 PS ऑफ पावर एंड 260 Nm ऑफ टॉर्क। यहाँ पे आपको 6-speed मैनुअल एंड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलेगा एंड इसकी क्लेम माइलेज है 22.4 km/h। सो यहाँ पे ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर अवेलेबल है एंड वी गेट स्मार्ट कीलेस एंट्री। सो यहाँ पे टाटा की कुछ ऐसी आपको दो स्मार्ट कीज मिल जाती है विद 4 स्विचेस। एंड यहाँ पे इंजन पुश स्टार्ट बटन अवेलेबल है। सो गाइज नेक्सॉन फेसलिफ्ट में आपको डुअल टोन ब्लैक एंड बेज इंटीरियर्स मिलेगा विद ट्राई एरो शेप्ड एसेंट, जो कि बहुत ही प्रीमियम लुक ऐड कर रहे हैं। साथ में क्रोम फिनिश एंड पियानो ब्लैक फिनिश का भी बहुत ही बढ़िया यहाँ पे यूज़ करा गया है। ऑल्सो कारपेटिंग ब्लैक कलर में एंड रूफ आपको मिलती है लाइट ग्रे कलर में। सो गाइज ये है फैब्रिक सीट अपॉजिटिव विद कॉन्ट्रास्टिंग वाइट स्टिचिंग एंड यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट भी अवेलेबल है फॉर द ड्राइवर साइड सीट। यहाँ से हम फ्यूल लिड को ओपन कर सकते हैं एंड क्लच फुटरेस यानी कि ट्रेड पेडल भी दिया गया है। यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल स्टोरेज स्पेस, हम कीज प्लेस कर सकते हैं यहाँ पर एंड मैचिंग फ्रंट डोर मिलेगा दोस्तों डुअल टोन फिनिश एंड पियानो ब्लैक फिनिश के साथ। यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स एंड सेफ्टी लैंप अवेलेबल है, स्पीकर्स साथ में ट्विटर्स एंड गाइस यहाँ पे आपको अम्ब्रेला होल्डर भी मिलता है, बॉटल होल्डर भी दिया गया है एंड मैप पॉकेट भी अवेलेबल है। सो यहाँ पे ऑल 4 पावर विंडोज में से सिर्फ ड्राइवर साइड स्विच आपको मिलेगा इल्यूमिनेटेड एंड ड्राइवर साइड पावर विंडो ऑटो डाउन अवेलेबल है। ये है ORVM कंट्रोल, ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, फोल्डेबल एंड विद ऑटो फोल्डिंग फंक्शन के साथ मिलते हैं। इनसाइड डोर हैंडल क्रोम में दिए गए हैं। सो गाइज ये है सुपर अट्रैक्टिव फ्लैट बॉटम लेदर अप स्टीयरिंग व्हील विद पियानो ब्लैक फिनिश, लेफ्ट साइड ऑडियो, ब्लूटूथ एंड वॉइस कमांड कंट्रोल एंड राइट साइड क्रूज कंट्रोल। सारी स्विचेस एल्यूमिनेटेड मिलते हैं दोस्तों विद वाइट बैकलाइट एल्यूमिनेशन एंड स्टीयरिंग व्हील में यहाँ पे आपको सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट मिलती है दोस्तों, टेलीस्कोपिक नहीं दी गई नेक्सॉन में। सो लेफ्ट साइड वाइपर कंट्रोल्स एंड राइट साइड मिलेंगे कुछ हेडलैम्प कंट्रोल्स और ये है हेडलैम्प लेवलर, काफ़ी प्रैक्टिकली प्लेस्ड। सो गाइज ये है नेक्सॉन का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पे शो होता है डिजिटल लाइव स्पीड, टायर प्रेशर, साथ में डिजिटल क्लॉक, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, डुअल ट्रिप मीटर, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी एंड यहाँ पे वार्निंग्स एंड इंडिकेशन भी डिस्प्ले होंगी। साथ में आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले। सो गाइज ये है डैश टॉप माउंटेड 7 inches का कनेक्ट नेक्स्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम बाय हमन, 4 स्पीकर्स एंड 4 ट्विटर्स अवेलेबल है, एप्पल कार प्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो को भी सपोर्ट करता है एंड ये है रिवर्स पार्किंग कैमरा का डिस्प्ले। सेंसर्स का डिस्प्ले भी आपको बहुत ही एक्सेलेंट मिलेगा। अडैप्टिव गाइडलाइन दी गई है तो आप स्टीयरिंग मूव करेंगे गाइडलाइंस भी मूव होंगी। साथ में ये सपोर्ट करता है रेडियो, USB, ब्लूटूथ, iPod को। वॉइस कमांड भी आपको मिलता है, हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी दिया गया है। एंड टाटा की स्मार्ट रिमोट ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, उस रिमोट ऐप से सिस्टम को आप कंट्रोल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे गाइज अगर आप AC को
कंट्रोल करना चाहें तो आप वहाँ से नीचे से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट. टेम्परेचर, मोड, फैन का फ्लो, सब कुछ यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है. साथ में एक्सप्रेस कूल का एक बहुत ही बढ़िया फीचर अवेलेबल है जो कि व्हीकल की कूलिंग को मैक्सिमाइज कर देता है. तो जैसे आप एक्सप्रेस कूल सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो विंडोज़ है वो सारी की सारी रोल अप हो जाएंगी, यानी कि वो क्लोज हो जाएंगी ताकि फटाफट कैबिन कूल हो सके. एंड यहाँ पे क्विक सेटअप दिया गया है. सो ये है व्हीकल सेटअप, रियर कैमरा सेटअप, लाइटनिंग सेटअप, अप्रोच टाइम की आप यहाँ पे ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं, साथ में ऑडियो सेटअप, साथ में गाइज यहाँ पे फ़ोन सेटअप आपको मिल जाता है. और ये है वॉल्यूम सेटअप. यहाँ पे आपको इनबिल्ट नेविगेशन नहीं मिलती, लेकिन आप एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो के थ्रू नेविगेशन सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं क्वाइट ईजिली. एंड गाइज यहाँ पे आपको 3 मोड मिलते हैं, यानी कि 3 कलर थीम अवेलेबल हैं. जेन थीम, यहाँ पे आप इसकी साउंड भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं वेलकम साउंड. एंड देन ये जिंग मोड, सो अगर हम इसको एक्टिवेट करते हैं तो आप देख सकते हैं कलर थीम चेंज हो गया है. एंड देन आता है जील मोड, सो कुछ ऐसे इसको भी हम एक्टिवेट कर सकते हैं. सबकी इंडिविजुअल जो साउंड है उसको हम इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं दोस्तों. एंड यहाँ पे सॉफ्टवेयर के रेगुलर अपडेट्स आते हैं तो वो भी आप यहाँ पे इंस्टॉल करवा सकते हैं. सो काफ़ी बढ़िया सिस्टम दिया गया. अगर आप चाहेंगे तो इसके हम डिफरेंट वीडियो भी पोस्ट करेंगे. एंड यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं. और ये है ऑटोमेटिक एसी के कंट्रोल्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉग लैम्प के लिए. देन एक्सप्रेस कूल, और ये है पावर डोर लॉक स्विच. और यहाँ से हम इसको प्रेस करेंगे तो टेल गेट ओपन हो जाएगा. एंड इसके ठीक नीचे दोस्तों यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट एंड साथ में यूएसबी पोर्ट. एंड गाइस यहाँ पे लेदर आप गियर नॉब मिलेगी, साथ में 3 ड्राइव मोड अवेलेबल हैं, सिटी, इको एंड स्पोर्ट मोड. आप जो भी मोड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आपको इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले मिल जाएगा. ऑल्सो यहाँ पे एक ग्रॉसरी हुक भी अवेलेबल है. और ये है फैब्रिक आर्मरेस्ट विद वाइट स्टिचिंग, यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया स्पेस मिल जाती है. साथ में ट्विन कप होल्डर्स भी अवेलेबल हैं. सो गाइज ये है मैसिव साइज का ग्लव बॉक्स विद टैबलेट एंड लैपटॉप ट्रे. साथ में यहाँ पे कूलिंग ऑप्शन एंड एल्यूमिनेशन भी दी गई है. और यहाँ पे आपको मल्टीपल स्टोरेज एरियाज और भी मिल जाते हैं. एंड पैसेंजर साइड सन वाइजर, यहाँ पे वैनिटी मिरर दिया गया है. एंड यहाँ पे नॉर्मल डे एंड नाइट IRVM मिलता है, ऑटो डिमिंग नहीं दिया गया. सेंटर में बहुत ही ब्राइट कैबिन लैम्प विद थिएटर डिमिंग फंक्शन. सो गाइज यहाँ पे आपको 3 सनरूफ कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ओपन क्लोज एंड टिल्ट करने के लिए. एंड बेसिकली गाइज सनरूफ सिर्फ इसी पर्टिकुलर मॉडल यानी कि एग्जेड प्लस ऑप्शनल में अवेलेबल है, या एग्जेड ए प्लस ऑप्शनल में. फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट मॉडल वाइज फीचर्स एंड प्राइस के लिए. एंड यहाँ पर टिकट होल्डर नहीं दिया गया. एंड गाइज यहाँ पे कोई भी डोर ओपन होगा तो उसकी एग्जैक्ट वार्निंग हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिलेगी. टेल गेट ओपन होता है तो उसकी वार्निंग भी मिलती है. एंड इस मॉडल का ऑन रोड प्राइस भी आप चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पर. एंड ये है रियर डुअल टोन डोर विद चाइल्ड सेफ्टी डोर लॉक्स. यहाँ पे स्पीकर्स, बॉटल होल्डर्स, क्रेटर्स आपको मिल जाते हैं, साथ में पावर विंडो कंट्रोल्स. फ्रंट सीट्स के बैक पे पॉकेट अवेलेबल नहीं है इस मॉडल में. साथ में दोस्तों यहाँ पे रियर एसी वेंट दिया गया है. एंड ये है रियर सीट्स के लुक. सो बेसिकली आपको यहाँ पे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलती है. सेंटर में आर्मरेस्ट ऑफर करी गई है विद ट्विन कप होल्डर्स. एंड गाइज यहाँ पे आपको रियर में 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलेगा जिससे कि आप एयर कंप्रेसर भी कनेक्ट कर सकते हैं. एंड ये है डैशबोर्ड के लुक गाइज. एंड यहाँ पर ग्रॉसरी हुक अवेलेबल है, साथ में हाइट एडजस्टमेंट मिलती है फ्रंट सीट बेल्ट्स की. एंड ग्रैब हैंडल के पास कोट हुक ऑन बोथ द साइड्स. ऑल्सो यहाँ पे आपको सारी डोर्स पे फैब्रिक फिनिश मिल जाती है. सो कैसे लगा आपको ये मॉडल दोस्तों, ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में. कोई भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें.